विद इन 5 मिनट्स आप अपने गाड़ी को क्लीन कर सकते हो। ये भाई मस्त है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिंदगी लाइव। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं अमर्त्य, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिंदगी लाइव में। एक्चुअली बहुत दिनों से मैं परेशान था। परेशानी मेजर नहीं है, छोटी सी है, लेकिन सोचने वाली विषय है। मैं परेशान इसलिए था कि मेरे जो फोर व्हीलर है, उस फोर व्हीलर में जहाँ पे मेरा पार्किंग एरिया है, तो वहाँ पे मैं गाड़ी जो रखता हूँ, काफ़ी धूल मिट्टी से जम जाता है और वो गंदगी रहती है उसमें। तो जिस कॉम्प्लेक्स में मैं अभी रहता हूँ, इट इज़ अंडर डेवलपमेंट, स्टिल नॉट येट कम्प्लीटेड। तो क्या होता है कि लॉरी का आना जाना लगा रहता है, जो बिल्डिंग बनाने के जो मटेरियल है वो आते जाते रहते हैं, और इसी वजह से इस एरिया में काफ़ी धूल मैल उड़ते रहते हैं हवा में, और इसी की वजह से जो गाड़ी का जो एक्सटीरियर है उसमें काफ़ी सारा गंदगी बैठ जाता है, स्पेशली धूल मिट्टी। तो इसी चीज़ों से मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि इसका उपाय क्या है जिससे मुझे शॉर्टकट में और इजीली इसका सोल्यूशन मिल जाए विथ लो इन्वेस्टमेंट। क्योंकि हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग अगर गाड़ी सर्विसिंग वॉशिंग के लिए ले जाते हैं सर्विस सेंटर में, तो जैसा मेरा टाटा का गाड़ी है, मेरा गाड़ी का है टाटा टिगोर एक्सेल, तो हम लोग जब सर्विस सेंटर में ले जाते हैं जस्ट क्लीन वॉशिंग एंड वैक्यूमिंग पर्पस। तो अभी ये मेरे एरिया में जो नियर बाई जो सर्विस सेंटर है वो चार्ज करता है अराउंड 650 प्लस। तो सिर्फ वॉशिंग और वैक्यूमिंग के लिए 650 फॉर ईच एंड एवरी वीक इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू स्पेंड। इवन इफ आई गो आउटसाइड जहाँ पे कारों का वॉश होता है लोकल एरिया में, दे आर नॉट चार्जिंग लेस देन 500। ओके, सो व्हाट आई रियलाइज कि इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि इतना अमाउंट भी खर्चा ना हो और मुझे सेटिस्फैक्टरी सर्विस मिल जाए, ताकि मैं उस जो प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ वो ना हो और मुझे मंथ की संतुष्टि मिली कि हाँ मेरा कार क्लीन है प्रॉपरली। और जब आप जल्दी में रहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि हमेशा इंस्टेंट आप सर्विस सेंटर में जाए, आपका नंबर आ जाए, आप गाड़ी क्लीन कर ले और लेके आप निकल जाए। ये सोचना भी बेवकूफ़ी वाली बात होगी, क्योंकि आपके पहले भी कई लाइन लगे होंगे, आपका जब टर्न आएगा तब आपको मिलेगा मौका, उसके बाद आप गाड़ी वॉश करवाएंगे सर्विस सेंटर से लेके निकलेंगे, फिर आप जहाँ पे जाना है वहाँ पे जाएंगे, तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर हो जाता है। और वीकेंड में अगर आप सोचते हैं तो पूरा वीकेंड ही चला जाएगा अगर सर्विस सेंटर जाए, वो सर्विस सेंटर में वॉशिंग करने हो के लिए हो या फिर आउटसाइड नॉर्मल जो मार्केट में अवेलेबल वॉशिंग जहाँ पे होता है वहाँ पे। तो इसी प्रॉब्लम से गुजरते हुए मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने इस विषय में एक निकाला है उपाय। देखिए, जैसे तो हम लोग माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अपना गाड़ी पोछ सकते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड, बट आई थिंक समथिंग डिफरेंट, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट जो माइक्रोफाइबर से अच्छा हो और लेस प्राइस हो वॉशिंग से, ठीक है। तो आइए हम अभी गाड़ी की तरफ चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या वो प्रोडक्ट है, क्या मैंने लिया है जिससे मुझे इतना हेल्प मिला, और मैं चाहूंगा कि आप वो लोग देखें और अगर आपको भी फायदा मिले तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं ये कोई पेड चैनल नहीं है, ना इसके लिए मुझे कोई पैसा मिला है, तो मैं उस प्रोडक्ट का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन ना ही मैं उसको प्रमोट करूंगा, लेकिन उसको इस्तेमाल करने से मुझे क्या फ़ायदा मिला, कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में ज़रूर आपके साथ वो मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको भी उसके बारे में पता चले, और अगर आपको लगे कि ये चीज़ आपके लिए बेहतर है तो आप भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि ये कवर पार्किंग है, लेकिन साइड से अभी भी कुछ ब्लॉकेज तो है नहीं, मतलब साइड से कुछ ऐसा कुछ है नहीं जिससे आप
धूल मिट्टी को रोक सकें। तो ये रहा वो चीज़ जिससे हम करेंगे अभी काम जी। ये है जो पहले ये वाला चीज़ जो है, ये मैं पहले इस्तेमाल किया करता था, ठीक है। तो इसका आपको एक डेमो दिखाऊंगा कि इससे क्या कितना साफ़ होता है, और उसके बाद में ये वाले प्रोडक्ट को दिखाऊंगा कि इससे कितना साफ़ होता है। चीज़ का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कितना साफ़ होता है। तो मैं फ़र्स्ट अपनी विंडशील्ड से ही शुरू करता हूँ, ठीक है, और आपको मैं फ़र्क दिखाऊंगा। देखिए नॉर्मली जो हम लोग करते हैं ये वाला, हाफ़ करेंगे इससे, हाफ़ करेंगे दूसरे प्रोडक्ट से, ठीक है, तो आपको फ़र्क पता चलेगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कितना टाइम कंज्यूमिंग है या नहीं है, वो भी आप टैली कर पाएंगे। निकाल चुका हूँ मैं अपने बैग से, ठीक है, और इसे एक्चुअली कहते हैं कार्ड डस्टर, डस्ट क्लीनर भी कहते हैं, ठीक है। और जैसे हमने विंडशील्ड में किया था, तो अब आइए इस तरफ वाला करते हैं। हालांकि इतना क्लियर शायद ना हो, तो मैं फिर भी आपको करके दिखाता हूँ। जस्ट 1 2 3, 1 2 3, डन। और इसका ये बात है कि हर टाइम आपको, आप जितनी बार आप ये करेंगे डस्ट क्लीन करने के बाद, आप इसको ऐसे करके शेक कर लीजिएगा। शायद इस एंगल से आपको पता नहीं चल रहा होगा कि कौन सा बेटर है, कौन सा फ़र्क क्या है। तो आइए ट्राई करते हैं बोनेट के ऊपर, आई थिंक इसमें आप लोगों को ज़्यादा क्लियर आ जाए। तो लेते हैं अपना कार्ड डस्टर और हाफ़ करेंगे इससे, हाफ़ करेंगे पुराने जो नॉर्मल हम लोग का डस्टर है वो। तो इस तरफ वाले करते हैं इस डस्टर से, जी आपने देखा फर्क समझ में आ रहा है। नज़दीक चलते हैं, थोड़ा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं जी। कुछ नहीं है, नो नथिंग क्लीन। अब आइए चलते हैं पुराने वाले जो हम जिससे कर रहे थे उससे दोबारा एक बार करके देखते हैं बोनेट के ऊपर। जैसे कि मैंने इससे भी पूछ लिया है इस जगह को, तो कैमरा से शायद ये जस्टिस ना कर पाए, लेकिन खुले आँखों से ये लग रहा है कि इस राइट साइड वाला ज़्यादा क्लीन है, राइट साइड वाला ज़्यादा क्लीन है रादर देन लेफ्ट से। यहाँ से इतना खास पता नहीं चलेगा, लेकिन पास से जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम डस्टर क्लीनर से पूरा डस्ट क्लीन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा बेटर है। एक चीज़ जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि हमेशा जब भी आप कार क्लीनिंग स्टार्ट करें, वो तो मैंने आपको एग्जांपल दिखाने के लिए किया था, तो हमेशा गाड़ी के एकदम टॉप से कीजिए, ऊपर से हमेशा कीजिएगा, कभी भी नीचे से या साइड से नहीं, ऊपर से फर्स्ट। और ये काफ़ी इजी टू यूज़ है, बस इसे ना ही आप केवल आप इससे अपना कांच जो है, मिरर जो है, वो सब भी आप क्लीन कर सकते हैं। और हमेशा यूज़ के बाद थोड़ा चेक कर लीजिएगा। चलिए आइए ऐसे ही करते हैं पूरे कार को क्लीन। ये भी देखते हैं क्लीन करने के बाद गाड़ी का स्टेटस कैसा है। विद इन फाइव मिनट्स आप अपने गाड़ी को फुल्ली ऐसे ही क्लीन कर सकते हैं कार डस्टर से। नज़दीक लेके दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, देखिए हाउ मच क्लीन इट इज़ राइट नाउ।
ना, अगर आप यहाँ पे क्लीन करके देखेंगे तो कोई मिट्टी या मैल यहाँ पे कुछ नहीं है, क्लीन, नथिंग इज देयर।